हेलो गाइस, नमस्कार प्यारा, गुड मॉर्निंग, और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे बुलबुल ब्लॉग एंड योगा पे। और मैं हो चुकी हूँ रेडी, और अभी बज चुके हैं 8, और आज मैं आ रही हूँ त्यौहार लेके अपने मायके, और हम मैं मम्मी और बबू जी आ रहे हैं। अभी का मौसम देख सकते हैं आप, यहाँ पर अच्छी धूप आ गई है, और ये देखिए कितना मस्त व्यू दिख रहा है यहाँ से, ये देखिए। और ये मंदिर है यहाँ पर नरसिंह देवता का, और भी आपको और दिखाती हूँ। अभी मंदिर यहाँ पर भी है ऊपर, और ये जीजाजी पर दीदी और लत्तू बना रहे हैं नाश्ता। ये दीदी का चूल्हा ये है जीजाजी की दुकान यहाँ पर, ये देखिए। और उधर लत्तू की बुआ है, जीजाजी की दुकान। और यहाँ पर ना जिया जी ने ना इस टाइप से लकड़ी काट के यहाँ पर बैठने वाले बना रखे हैं, और ये देखिए ये भी चेयर बना रखे हैं यहाँ पर बैठने के लिए, और एक ये यहाँ पर ऐसे बैठने वाले बना रखे हैं। ये है मेरी बड़ी वाली दीदी, और ये बुलबुल को पीठा लगा रही है। फर्स्ट टाइम बुलबुल शादी के बाद दीदी के वहाँ गई है, तो बुलबुल का पीठा चंदन हो रहा है। बुलबुल का लिफाफा भी मिल रहा है जो मुझे दे देगी अभी। यहाँ पर हो रही है गोकुल जी की विदाई, ये कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है। चलो तो अब हम चलते हैं घर को। यहाँ पर हो रही सबकी विदाई, हम सब जाने लगे हैं। दीदी पहला आना है, जिया जी आना है पहला। आए दीदी आना हल्द्वानी। अभी हम पहुंच चुके हैं बैजनाथ मंदिर में, और मंदिर बस थोड़ा सा बचा है। और ये नदी गोमती, ये नीचे जो नदी दिख रही है गोमती नदी है, बागेश्वर में मिलती है। अच्छा, और ये नदी बागेश्वर पे मिलती है। ये है मंदिर बैजनाथ का मंदिर, ये है बैजनाथ जी का मंदिर। यहाँ पे देख सकते हैं काफी सुंदर लग रहा है मंदिर, ये देखिए। अभी आपको बहुत सारी चीजें दिखानी है, अभी धीरे धीरे दिखाएंगे आपको भी। ये है मम्मी और गोकुल जी। मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं है हाँ अभी, और मंदिर काफ़ी अच्छा लग रहा है, बैद्यनाथ का मंदिर देख सकते हैं आप। देखिए अभी कराते हैं मंदिर के दर्शन आपको यहाँ की। ये देखिए पत्थर में कलाकारी कितनी मस्त लग रही है, ये देखिए काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये आप देख रहे हैं बैजनाथ झील। बैजनाथ झील 2016 में बनी थी, और ये उत्तराखंड की पहली कृत्रिम झील है। आप देख रहे होंगे ये झील स्पेशली यहाँ पे गोमती नदी पर बांध बना के रोका गया पानी है, क्योंकि जब हम यहाँ आते थे ना पहले बचपन में, तो यहाँ पे हाथ मुँह धोने के लिए भी पानी नहीं रहता था इस टाइम पे, इसलिए यहाँ पे एक तीर्थ स्थल है गोमती नदी के किनारे, तो इसीलिए यहाँ पे ये बांध बनाया गया था। अब देखो कितना अच्छा है यहाँ पे पैर नहाने का या फिर पैर धोने के लिए, तो यहीं पे नहाते हैं अब जो मंदिर आते हैं। ऊपर हिमालय भी दिख रहा है। हाँ, उधर जो हिमालय दिख रहा है ना, वहाँ ये नंदा देवी है, और पंचाचूली है, और पिंडारी ग्लेशियर वाला है, और ये वो दिख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर कितनी सुंदर मूर्ति बनी है, ये है धोनी। यहाँ पे धोनी 24 घंटे जली रहती है।
आज बुलबुल के 1K सब्सक्राइबर पूरे हो गए, तो इसलिए हम भगवान बैजनाथ जी का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ मंदिर में आए थे। बुलबुल, आज आपके 1K सब्सक्राइबर पूरे हो गए, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, 1K पूरे हो गए हैं और हम यहाँ मंदिर में आए थे दर्शन करने के लिए। भगवान जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलने के लिए। मुझे नहीं बोलोगे मैंने कितनी मेहनत करी है आपके पीछे? हमने भी करी है मेहनत, सूरज ने भी करी है, सबने करी है, पापा मम्मी मैंने, थैंक यू सबको, मम्मी ने भी सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लगा आपको है जो मंदिर में? अच्छा लगा? और आपको कैसा लगा गोकुल जी? बहुत बढ़िया, मस्त बढ़िया लगा। मेरे घर का मंदिर में आज पहली बार आ रहा हूँ। अच्छा, पहली बार देखा? ये है बैजनाथ जी का मंदिर, यहाँ पर भी पूरा शिवलिंग है, जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना ये मंदिर, सब यहाँ शिवलिंग है। और उस साइड वो बना रखा है झील बना रखी, उधर को यहाँ से दिख रही है, ये देखिए। और यहाँ से बाहर को जाने वाला रास्ता, अब हम भी निकलते हैं। और ये है यहाँ से ऊपर को रोड पे जाने वाला रास्ता, इधर के ये होगा ना, बैठने वाला होगा ना, ये यहाँ पूरा बैठने वाला है। और उस साइड नदी है, नदी कौन सी है भूल गई मैं, गोमती नदी है। यहाँ से पूरा हिमालय दिख रहा है, हाँ हिमालय है ना, पहुँचे कौसानी। और यहाँ से देखिए पूरा हिमालय दिख रहा है, ये देखिए कौन सा हिमालय है, कौसानी वाला? हाँ ये कौसानी में है ना अभी हम। अच्छा, तो कौसानी से दिख रहा है। गांधी जी ने इसी हिमालय की वजह से इसको भारत का स्विट्जरलैंड बोला था। स्विट्जरलैंड ना। और नीचे गांव, गांव कौन सा, गरुड़ का गांव दिख रहा है ना उधर, गरुड़ है वो नीचे पूरा, तो मस्त दिख रहा है हिमालय। गांधी जी के यहाँ आश्रम भी है ऊपर, ऊपर है लक्ष्मी आश्रम। अच्छा, ऊपर पे सिट करो। त्योहार भी है, पहली बार भी आई है शादी के बाद, और वैसे भी हमारे लिए है। तो
बहुत बहुत मुबारक हो आपको भुगता का त्यौहार मकर संक्रांति का। बुलबुल मना लेने करने हो गया।